नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं दीपक रोहिला आपका स्वागत करता हूं मनी मंत्रा के एक और यूट्यूब वीडियो में। आज के सर वीकेंड हो चुका है सर, दो दिन की छुट्टियां हैं ट्रेडर्स के लिए। तो उम्मीद करता हूं जो लोग ट्रेडिंग करते हैं पैशनेट होके, दो दिन रिलीफ मिलेगा उनको। देखो पिछले दो दिन से मार्केट अच्छी रैली दिखा रही है, कोशिश कर रही है, होपफुली हम मंडे को 16400 के ऊपर भी क्लोज होंगे। अभी ऐसा ही लग रहा है सर, ऐसा ही रहा है। तो 16400 के ऊपर क्लोज होंगे तो सर स्टॉक्स। अब देखो मैं पिछले कुछ तीन चार दिनों से टेलीग्राम वाले चैनल पे यही चीज़ें नोट कर रहा हूँ, आपको भी मैसेज कर रहा हूँ कि ये टाइम है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करने का। दो तीन पार्ट के अंदर तो शेयर्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे चार्ट के साथ। अभी हम आज 7-8 शेयर आज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, जो आपको 50% प्लस रिटर्न दे सकते हैं 1 से 2 साल में। सर 50% रिटर्न कम तो नहीं होता, खैर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं और चाहें तो स्किप कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताना मुझे कि आपको ये स्टॉक्स कैसे लगे। अभी चलते हैं सर वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपना एक है ना पेड चैनल चलता है सर ऑप्शंस लवर के लिए, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं डे टाइम में। तो डे टाइम में सर पूरा टाइम अपना मार्केट में रहता है, तो अपने पास कुछ ऐसे चार्ट में रेगुलरली देखते रहते हैं मैं और मेरी टीम। तो जो चार्ट अच्छा लगता है उसमें ऑप्शन के जरिए भी पैसा बना सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे डिस्कस कर सकते हो। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी मैंने लिंक ड्रॉप किया हुआ है। ये आज की कॉल थी सर, तो आप देखेंगे कि नॉर्मली हर कॉल से हम अगर ग्रीडी नहीं होते हैं या कुछ गलतियां नहीं करेंगे तो हर कॉल पे आपको 1000 to 2000 इजीली ग्रैब हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है सर ये मैसेज, केवल आपको हर कॉल पे 1 to 2000 इजीली ग्रैब हो सकता है, अप टू 5000 आराम से निकल सकता है सर अगर आप चाहें। मतलब आपका जो कॉल का जो पेड फीस है, मंथली फीस है, वो एक कॉल से या दो कॉल से ही निकल जाएगी। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन अस यू कैन ज्वाइन सर। टेलीग्राम पे भी लिंक है और यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है सर, कमेंट में भी मैं ड्रॉप कर दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं सर। अगर आपको आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको रेगुलरली अच्छे स्टॉक्स आइडियाज, पोर्टफोलियो स्टॉक्स, मस्ट बाय स्टॉक्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज जो स्टॉक्स हैं उनमें कुछ तो मस्ट बाय स्टॉक्स हैं जो आपको जरूर बाय करने चाहिए, इतने अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं। अभी चलते हैं सर चार्ट्स की तरफ। पहला स्टॉक सर देखो, मैं पिछले तीन दिन से मैं मैसेज कर रहा हूँ HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के ऊपर। ये देखिए ये जो डोजी कैंडल यहाँ पे आई थी ना, देखो ये यहाँ पे बेस बन गया सर, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मार्क करते हैं इसको सर्कल, ओके अगेन मार्क करते हैं ये इधर, इसको एलिप्स मार्क करते हैं, ये देखिए सर। अभी देखो ये यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था स्टॉक, ऑलमोस्ट 1300 से 1700 तक, फिर मार्केट डाउन गई। रीजन मार्केट ने कुछ भी हो, एक तो मेन रीजन तो रशिया एंड यूक्रेन था, उसके बाद ये देखिए यहां पे फिर से कंसोलिडेट, इस लेवल को ब्रेक करना नहीं चाहता है HDFC का बैंक। तो ये यहाँ पे क्या समझ में आता है, यहाँ पे एंट्री लेने का समझ में आता है। मैं 1320-22 रुपये से मैसेज कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉक को ऐड कीजिए। आई डोंट नो कितने लोगों ने ऐड किया है या किया है, बट ये टाइम है सर इसको ऐड करने का। यहाँ से बाहर निकलेगा ना तो स्टॉक आपको 1500 और 1700, बट मैं आपको बता रहा हूँ मेरा जो इनिशियल मुझे जो लगता है वो 2000 और 2100 है जहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। तो आप देखिए यहां पे स्टॉक अभी दे रहा है 1400 के आसपास है, 2100 का और 50% की ग्रोथ अपने को निकल सकती है सर HDFC बैंक से।
मेक अ डिसीजन, टेक अ चॉइस, क्या आप इस क्वालिटी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं या नहीं ऐड करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टॉक सर, HDFC लिमिटेड। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीकली कैंडल, आप चाहें देखो वीकली कैंडल दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ये भी मार्क कर देता हूँ, देखो ये सपोर्ट, उसके बाद ये देखो ये वही, इन चीज़ों को देख के ही, उसके बाद ये वीकली में RSI अपमूव, और ये MACD भी अभी सिग्नल देने वाला है कि भाई हाँ यस चलो चल पड़ो बाय साइड में। स्टॉक ट्रेड कर रहे, देखो मैंने जब आपके साथ शेयर किया था ये यहाँ पे शेयर किया था मैंने ये वाली कैंडल पे 2230 रुपये के आसपास मैंने शेयर किया था, ये ब्रेकआउट रीजन था सर अपना, ये जो है ना ये जो तीन कैंडल्स है यहाँ पे ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट पे हमने 2222 2225 आप टेलीग्राम पे भी ढूंढ सकते हो मैसेज को, वहाँ पे शेयर किया था कि यहाँ पे ये आ गया है बाइंग जोन में, तो उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से कहाँ चला गया, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ इसने 3 दिन के अंदर आपको दिए हैं। सेम स्टॉक ने भी 1327 से करीबन 1390 60 रुपये उसने भी दिए हैं, तो स्टॉक्स अच्छे हैं सर, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, यहाँ पे अपमूव स्टार्ट हुआ है। अभी यहाँ पे इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, हम कहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं, अपना देखो इजीली टारगेट जो मुझे लगते हैं 2450 2700 2850 एंड 3000, ये टारगेट मुझे लगते हैं। अब 2200 से अगर 3000 तक जाता है तो करीबन 40-50% के गेन हमको मिलेंगे विद इन ईयर, तो सर इट्स नॉट बैड चॉइस ना, आप भी ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, अपनी पॉकेट साइज के अकॉर्डिंग सर एक स्टॉक ले सकते हैं, दो स्टॉक ले सकते हैं, ये चांस अच्छा चांस है यहाँ पे एक्युमुलेट करने का। आज हम स्टॉक डिस्कस करेंगे ऐसे ही जो बॉटम पे सपोर्ट बना चुके हैं, मतलब सपोर्ट लेके वो उठना स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट स्टॉक ये अंबुजा सीमेंट का वीकली कैंडल है सर, वीकली कैंडल में देखो ये जो है ना ट्रेंड लाइन है, ये मेक और ब्रेक लाइन है, यहाँ से इसको तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, इसको तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, बट हम क्या है पॉजिटिव मूड में है कि यहाँ से मार्केट उठेगी ना तो स्टॉक भी उठेगा, क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन के ना ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और डेली बेसिस पे ये है RSI, ये अपसाइड की तरफ है सर, तो वी हैव ब्राइट चांस कि हम यहाँ पे 370-380 की तरफ जाएंगे, वहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर बढ़ेंगे तो फिर हम वापस से वीकली कैंडल की तरफ जाते हैं, तो फिर हम जो भी 360 है वो 420-440 और 450 तक के लेवल्स की तरफ हम जा सकते हैं, तो यहाँ से ये स्टॉक भी आपको करीबन 100 रुपीज़ प्लस दे सकता है आने वाले टाइम में, तो ये स्टॉक भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। इसका भी मैसेज मैंने आपको डे टाइम में शेयर किया था सर। नेक्स्ट स्टॉक है सर L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। देखो L&T टेक्नोलॉजी को मेरा ऐड करने का रीज़न क्या था, अब देखो ये चीज़ यहाँ से गिर रहा है सर स्टॉक, ऑलमोस्ट 6000 रुपीज़ से गिर रहा है, नोट करना सर। उसके बाद ये यहाँ पे 5200 से गिर के ये आ गया सर ये वाले लेवल पे 3200, ये मैंने 3280 के आसपास भी शेयर किया था सर, इसके साथ एक और बड़ा शेयर था मैंने स्टॉक शेयर किया था, और एलकेम लेबोरेटरीज अगर आपको याद है, अगर आप वीडियो रेगुलरली फॉलो करते हैं, अगर आप टेलीग्राम को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो मैंने एलकेम लेबोरेटरीज भी ऐसा ही स्टॉक था जो 2850 रुपये पे 2850 पे आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे स्टॉक आपको वो स्टॉक आपको 5000 तक 4000 तक ले जा सकता है, तो सेम L&T टेक्नोलॉजी अभी ट्रेड कर रहा है 3450 अराउंड, ये डाउन ये ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड दिखा रही है, बट RSI जो डाइवर्जेंस दे रहा है अप दे रहा है, तो ये एक बुलिश साइन है सर, यहाँ पे अपना पैसा बन सकता है, अगर आप इसके अंदर पैसा डालना चाहते हैं तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए सर, और मंडे को कुछ स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, एक स्टॉक दो स्टॉक
मैं फिर से देखो सर, हर स्टॉक पे दोहरा रहा हूँ, ये टाइम है क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करने का। अब ये 3200-3300 का स्टॉक अगर आपको 6000 देता है, तो आप कैलकुलेट कर लेना सर बाद में कि ये आपको कितना पैसा बना के दे देगा पर स्टॉक। नेक्स्ट चलते हैं सर, एक और स्टॉक है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर का। देखो सर, फार्मा सेक्टर काफ़ी पिटा, आईटी सेक्टर काफ़ी पिटा, तो वहीं से क्या बन रही है, परचेजिंग बन रही है, मार्केट गिरी, स्टॉक गिरा, देखो कहाँ से गिर रहा है, ये इस लेवल से गिरा हुआ है 3500 से। मेट्रोपोलिस अभी कहाँ मिल रहा है, 1600 रुपये सर, 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, क्यों मतलब, अब इसने सिग्नल दिया। देखो हम ये इसलिए नहीं ले रहे कि ये 50% डिस्काउंट हो चुका, टूट चुका है, हम इसलिए अभी एंट्री ले रहे कि यहाँ पे एंट्री बनती है सर। ये जो मैंने मार्क किया हो ना, ये इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, कैंडल स्टिक्स के अंदर मॉर्निंग स्टार बोलते हैं सर इसको, डाउन ट्रेंड के अंदर। और यहाँ पे एक और इंडिकेशन, आरएसआई देखो क्या कर रहा है, अब ये डाइवर्जेंस इसने दे दिया है कि ये बैंक जोन की तरफ जा रहा है और वहाँ से शूट करेगा ऊपर की तरफ। तो मेक ए डिसीजन, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 1650 ट्रेड कर रहा है अभी, ये आपको 3000-3035 भी ले जा सकता है। तो इन टारगेट के साथ आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए। अनदर स्टॉक डाइवर्जेंस आपको दिखाते हैं, ये वीकली कैंडल को मैं ना एक बार डेली में चेंज करता हूँ। ये देखिए, ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे कितना था 860, ये कितने पे आया 820। ये देखिए, ये डाइवर्जेंस देखिए, बुलिश लग रहा, बुलिश। तो आपको ये स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड, अगर TCS 3000 रुपये का स्टॉक नहीं खरीद सकते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड खरीदिए सर। हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही अच्छा स्टॉक है, यहाँ से आपको पैसा डबल करेगा सर, यहाँ से 850 पे बाय कीजिए। अगर समहाउ ये डाउन जाता है तो 750 तक आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, पैसा ऑलमोस्ट डबल करके देगा 1 से 2 साल में। साउंड गुड? तो सर क्वांटिटी आप चेक कीजिए कि कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, स्टॉक्स मैंने बता दिए हैं। लास्ट स्टॉक है सर इन्फोसिस। अब ये स्टॉक भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये रीज़न वही है सर, ये अब हम कोई चीज़ क्यों ऐड करेंगे सर, रीज़न होना चाहिए ना हमारे पास, ये रीज़न है सर, मॉर्निंग स्टार पैटर्न डाउन ट्रेंड में, बाइंग जोन के अंदर आ गया सर, बाइंग जोन के अंदर RSI। अब यहाँ से छोटे टारगेट की तरफ नहीं जाएंगे हम, ये देखो ये फ्री जोन है सर, ये जो है ना ये यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, ये जो है ना गैप, इसको फिल करने जाएगा ही जाएगा स्टॉक सर। तो क्या आप इसको कैश करना चाहते हैं, इस चीज़ को करना चाहते हैं तो सर एंट्री लीजिए, 1400 चल रहा है, 1700 तक तो इजीली मुझे लगता है कि जाएगा, ये गैप है सर, गैप डाउन हुआ था, ये गैप इसको फिल करने जाएगा स्टॉक। उसके बाद ये 1900, मैं तो बोलता हूँ कि हम ट्रेड कर रहे हैं 2000 के लिए, हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 2000 के लिए इन्वेस्ट किया सर, नॉट बिफोर दैट, विल बाय एंड होल्ड। ये 7 स्टॉक हैं सर, क्वालिटी स्टॉक्स, अब इन 7 स्टॉक की क्वांटिटी आप बनाइए, अपनी एक्सेल शीट बनाइए, कितने पैसे किस स्टॉक में डालने हैं ये आप कैलकुलेट कीजिए सर। मेरा काम था आपको अच्छी चीज़ बताना, क्योंकि पिछले 3 दिन से सर ऑलमोस्ट 100 मैसेज आए हैं, ऑलमोस्ट 100 मैसेज कि पोर्टफोलियो के स्टॉक बताइए। तो ये वो 7 स्टॉक है सर, यहाँ पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनमें हर महीने एक एक स्टॉक डाल के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सर, SIP करके। ये भी क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि ऐसे स्टॉक बताइए जहाँ पे SIP कर सकते हैं, 7 में से 7ों में करना चाहे या 6 में करना चाहे, चूज़ योर सेल्फ सर, चूज़ वाइजली। मैं इन सब में करने वाला हूँ पैसा इन्वेस्ट। जो लोग देखो डे टाइम में सर यहाँ पे अपने साथ जुड़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम सर, डे टाइम में देखो अच्छा कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो शेयर करता हूँ, बाय अंबुजा सीमेंट डे टाइम में शेयर किया, JDS के बारे में भी शेयर किया था, ऐड करने के लिए बोला था, आई डोंट नो कितने लोगों ने ऐड किया,
1600 की सी शेयर की थी सर, कि क्विकली आपको 10-20-30 पॉइंट देगी, दे के गई है सर, 50+ पॉइंट दे के गई है। अंबुजा सीमेंट की सी भी बाय करने के लिए बोला था 4 रुपये पे, अभी 4 रुपये पे ही है। तो ये फ्री गिफ्ट है सर, एनी मनी, ये टोटल हीरो और जीरो स्टॉक है सर, जो भी लेना चाहे अपने रिस्क पे लेना। देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन का वो नहीं करता हूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग केवल उनके लिए जो करना जानते हैं, समझते हैं ऑप्शन ट्रेड को। तो ये स्ट्रेट सर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ मैं डे टाइम में। तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला, आप भी ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाइए। जो लोग पहले से ही हैं वो चैनल को शेयर कर सकते हैं सर अपने दोस्तों के साथ। वीकेंड आ गया है तो वीकेंड पे तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, अगेन सर रिक्वेस्टिंग यू ऑल, जो अभी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाइए, दोस्तों के साथ और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला। मनी मंत्रा पे बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों। इसी कामना के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं कि आपका वीकेंड अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शुभ रहेगा। तो वीकेंड पे सर देखो लेट्स ग्रो टुगेदर, ये अपना मोटिव है सर, लेट्स ग्रो टुगेदर। तो वीकेंड आ गया सर, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, सबके लिए चैलेंज है कि एटलीस्ट एक या दो सब्सक्राइबर ऐड करवाइए सर, एटलीस्ट 1 or 2 सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। 19 सितंबर को सर चैनल का बर्थडे है, तो कैन वी सी 10,000 लेवल सर, टारगेट बड़े रखने जरूरी हैं, छोटे टारगेट नहीं सर, बड़े टारगेट के साथ काम करेंगे। तो 19 सितंबर को सर चैनल का बर्थडे है, तो आप लेट्स सी कि हम इस बर्थडे को 10,000+ सब्सक्राइबर बना सकते हैं क्या। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय।